हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज मेरे पास है सैमसंग A10। बट गाइस इसी फंक्शन में आपको सैमसंग के कितने भी जितने भी मॉडल आपके पास हैं सैमसंग के सभी फोन का पैटर्न अनलॉक कर पाओगे। तो गाइस इस फोन वीडियो में आपको बताऊंगा सैमसंग A50 का आपको कैसे पैटर्न अनलॉक करना है। फोनों का जो लॉक रिमूव का प्रोसेस है सेम होता है, बट गाइस इसमें ना एक प्रॉब्लम आता है, बंदों को अपना फ़ोन जब ऑफ करते हैं उनका फ़ोन अपना ऑफ नहीं होता। तो गाइस आपको क्या करना है, वॉल्यूम डाउन और पावर की एक साथ प्रेस करनी है। इससे गाइस आपको फोन एक बार रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होने का जस्ट आपको गाइस आपको वॉल्यूम डाउन की छोड़ देनी है, जस्ट आपको वॉल्यूम अप की प्रेस कर लेनी है। ये प्रोसेस आप अच्छे से कर लेना जब भी आपका फोन का रिमूव होगा पैटर्न, बनना गाइस आपके फोन का जो पैटर्न रिमूव नहीं होगा। गाइस ये बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास, भाई हमारा फोन रिबूट होकर ऑन हो जाता है वो प्रोसेस नहीं लेता। तो गाइस क्या करना मैं आपको बता दिया, वॉल्यूम डाउन और पावर की सबको फोन को ऑफ करना है, वरना आपका फोन ऑफ ही नहीं होगा, पैटर्न लॉक में आता है जब आप फोन अपना ऑफ कर पाओगे, वरना अपना फोन जो आप ऑफ नहीं कर पाओगे। तो गाइस यहाँ पे लेके आना वॉल्यूम डाउन के नीचे वाइप डाटा फैक्ट्री स्टार्ट। तो बस यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे रेड कलर का नीचे कुछ आ गया, ये पूछ रहा परमिशन पूछ रहा, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते, हाँ यस करना चाहते हैं हम। तो गाइस वॉल्यूम डाउन किसे नीचे लेके आऊँगा यस पे, जैसे गाइस मैं यस पे लेके आऊँगा यहाँ से मुझे पावर किसे ओके कर देना है। तो गाइस मैं आपको ये रिस्टार्ट वाले बाद फिर आप प्रोसेस बता दे रहा हूँ। गाइस अब जब अपने फोन का पैटर्न लॉक तोड़ते हो यहाँ से गाइस मैं फोन को रिस्टार्ट कर देता हूँ, रिस्टार्ट होने का या रिबूट रिस्टार्ट जो अपने फोन में लिखा रहा हो तो वो आपको यहाँ पे कर देना है। तो गाइस यहाँ से मैं पावर की दबा दूंगा, तो गाइस थोड़ा सा टाइम लगेगा खुलने में, उसके बाद गाइस हम बात करते हैं इस पर कि आपका फ़ोन है वो आपको ऑफ कैसे करना है। गाइस अपना फोन है जो आपका ऑफ नहीं होगा जब तक तो आप पैटर्न नहीं डाल दोगे, जब आप ऑफ पर क्लिक करते हो तो वो पैटर्न मांगता होगा, जब तक तो आपका फोन ऑफ नहीं हो जाता तो आप पैटर्न नहीं डाल दोगे। तो बस आप पैटर्न को पता हो तो आप पैटर्न नहीं तोड़ोगे। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम डाउन और पावर की एक साथ प्रेस करनी है, जैसे गाइस आपका फोन रिबूट होगा ना जस्ट ही आपको वॉल्यूम डाउन की छोड़ देनी है, और जस्ट रिबूट होने का जस्ट आपको वॉल्यूम अप की प्रेस कर देनी है। तो बस आपका फोन रिकवरी मोड चला जाएगा, और जो मैंने अभी आपको इंटरफेस दिखाया था उससे इंटरफेस पर आ जाएगा। सिंपल यहाँ से वाइप डाटा पे लेके आना वॉल्यूम डाउन की से, गाइस में थोड़ा जल्दी बोलूँ उसके लिए सॉरी यार, उससे बोला डाने के साथ आपको वाइप डाटा लेके आना, उसके बाद वाइप डाटा से यस कर देना, पावर की से नीचे लेके आने का वहाँ पे यस कर देना। तो कंप्लीट आपका फोन है ना पैटर्न अनलॉक हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, मैंने मात्र वीडियो 4 मिनट का बनाया, 4 मिनट 25 सेकंड का, बट सर आपका फोन है ना वो थोड़ा टाइम लेगा, नॉर्मल 5 मिनट भी ले सकता 10 मिनट भी ले सकता, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फोन 100% ओपन हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया मेरे पास सैमसंग A10 है, इसी फोन से ना आपको सैमसंग F41 का भी पैटर्न अनलॉक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस। सिंपल सा गाइस आपका फोन ये लॉन्च होने वाला है कल, तो गाइस मैंने आपके लिए ये वीडियो डाल दिए। तो जैसे बहुत सारे भाई में कमेंट आती है कि भाई हम फोन लाएँ अभी मेरा पैटर्न अनलॉक लग चुका है अब कैसे सॉर्ट आउट होगा, तो गाइस वो यहाँ पर जब इंटरनेट पर सर्च करेंगे 41 वाला तो गाइस आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी, इसलिए गाइस मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है तो आपका प्रॉब्लम आराम से सॉर्ट आउट हो जाता है। गाइस 2 दिन से मैंने वीडियो इसलिए डाली तो मुझे कुछ प्रॉब्लम थी मेरे चैनल पर ही, इसलिए गाइस मैंने अपनी वीडियो नहीं डाली थी। अब गाइस कंप्लीट तुमको पर डे इसमें वीडियो मिला करेगी, आपका प्रॉब्लम है जो भी कमेंट बॉक्स लिख के बताओगे उसकी वीडियो तुम्हारा भी बनाया करेगा। तो गाइस सिंपल से यहाँ से नैनस करके जाना, जैसे जैसे अगर गाइस यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम और हो सकता है, जैसे अपना अगर प्ले स्टोर पर आईडी और पासवर्ड डाला था, जब तक आप यहाँ पे आईडी और पासवर्ड नहीं डाल दोगे भी आपको मैं भी दिखा दूंगा, जब तक यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड नहीं डालोगे जब तक आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा। अगर आपको अपने आईडी और पासवर्ड पता है प्ले स्टोर वाला तो क्या करना है, आपको वहाँ पे जैसे जीमेल आईडी मांगे वहाँ पर लिखा होगा वेरीफाई योर अकाउंट, वहाँ पर जीमेल पर आप अटक दिए जाके, तो मेरे फोन में शायद नहीं मांगे क्योंकि गाइस मैंने आपके लिए सिर्फ वीडियो लॉक के लिए बनाई थी। अगर आपके फ़ोन में ये सब मांगता है तो आपको वहाँ पर जीमेल डालनी है, वरना गाइस आपका फ़ोन वहाँ से आगे नहीं जाएगा। तो गाइस जैसे ही मेरे पास ये फ़ोन आता है इसमें कौन सा सीपीयू लगा हुआ उस तरह से मैं आपको यहाँ पे इसकी जो FRP बाईपास करने की वीडियो भी बना दूंगा। तो गाइस कंप्लीट मेरा फ़ोन ओपन हो चुका है, आपका ये फ़ोन 100% ओपन हो जाएगा। आपको जीमेल पासवर्ड पता था, अगर आपने जीमेल पासवर्ड नहीं डाली अपने प्ले स्टोर पर तो आपका फ़ोन में जीमेल पासवर्ड नहीं मांगेगा, आपका फोन कंप्लीटली ऐसे ही कैसे ऑन हो जाएगा जिस तरह मेरा ऑन हो गया। तो गाइस देख रहे हो अच्छे से मेरे फ़ोन में वर्क हो रहा है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके फ़ोन में अच्छे से वर्क करेगा, इससे ये नहीं कि आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आती हो, आपके फ़ोन में जो भी कोई मिस्टेक और अदर सेटिंग छट जाता है उसका भी यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाता है। सुबह से उम्मीद करना वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना और अपने भाई को सपोर्ट करना, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में लिख के बताना, उसका हर एक की वीडियो पिक करता हूँ मैं, जो जितने भी बंदे हैं सभी वीडियो को पिक करता हूँ। गाइस यहाँ पर थोड़ी बार इधर उधर से नॉइस आ रही है उसके लिए सॉरी यार, देख लो मेरे फ़ोन में जीमेल नहीं थी, तो अगर आपके फ़ोन में जीमेल हो तो यहाँ पर आपको डाल देना, यहाँ पर आपने पहले अपडेट की थी तो यहाँ पर मार्केट ओपन है, मैं अभी फिलहाल मार्केट के पास ही मैं वीडियो बोलता हूँ, मेरा मार्केट के पास ही मेरा घर है, तो वहाँ पर थोड़ी बाइक वगैरह निकलती रहती है।